आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान। भारत में आसनी चक्रवात की शुरुआत हो चुकी है, और किस देश ने रखा है आसनी चक्रवात का नाम, तो इन सही पॉइंटों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो लोग नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो देखिए, इस समय की न्यूज है कि अगले हफ्ते बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवाती तूफान आसनी का खतरा, और ये जानकारी दी गई है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। यानी कि इस समय बंगाली खाड़ी में एक नई चक्रवात की उत्पत्ति होने जा रही है, और इसका नाम किस देश ने दिया है इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और चक्रवात का नाम आप लोग ध्यान रखिए, आसनी चक्रवात है ये, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमने आपकी ये वीडियो तैयार की है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें। तो देखते हैं आगे इसके बाद। तो देखिए, इसमें लिखा है कि मौसम प्रणाली के 21 मार्च को एक चक्रवाती तूफान में बदलने, और 22 मार्च तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है। जब यह चक्रवात में बदल जाएगा, तब इसका नाम आसनी रखा जाएगा, और श्रीलंका द्वारा ये नाम दिया गया है। यानी कि चक्रवात का नाम दिया गया है आसनी, और ये नाम दिया गया है श्रीलंका के द्वारा, क्योंकि हर साल जब भी चक्रवात आते हैं तो जो भारत के समीपवर्ती देश हैं और अरेबियन देश हैं, इनके द्वारा जो लिस्ट में नाम हैं उनके द्वारा ये लिस्ट के तहत तय होता है कि कौन सा देश कब नाम रखेगा। तो इस बार जो है श्रीलंका ने आसनी नाम दिया है। तो इसमें दे रखा है दक्षिण और पश्चिमी हिंद महासागर के ऊपर बने कम दाब के क्षेत्र के अगले सप्ताह की शुरुआत में एक चक्रवात में बदलने का अनुमान लगाया गया है। और इसमें लिखा है कि ऐसा अनुमान है कि यह बांग्लादेश और उससे सटे उत्तरी म्यांमार की ओर बढ़ सकता है। मौसम कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मंगलवार को बने निम्न दाब का क्षेत्र, यानी कि LPA के पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने, और शनिवार तक पूरी तरह से LPA बनने का अनुमान लगाया है, क्योंकि चक्रवात जो है निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिसकी वजह से बंगाली खाड़ी में ये आपका निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगा है। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य जो है भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे महासागर में निम्न दाब बनता है, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो आगे हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है विभाग ने कहा है कि बाद में यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने से पहले कम दाब के क्षेत्र में बदल गया। मौसम प्रणाली के 21 मार्च को एक चक्रवाती तूफान में बदलने और 22 मार्च तक उत्तर पश्चिमी, यानी कि उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है। जब यह चक्रवात में बदल जाएगा, तब इसका नाम आसनी रखा जाएगा। तो ऐसी जानकारी दी गई है ये मौसम विभाग के द्वारा, और आसनी नाम आप ध्यान रखें श्रीलंका के द्वारा दिया गया नाम है ये। और जैसे कोई हमें न्यूज मिलेगी, आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर जानकारी दे दी जाएगी। तो देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल,
द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल और आगे भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।